अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज शमा की किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले स्वीट कॉर्न पकौड़ा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ये देखो, ये बॉईल वाला नहीं है, ये कच्चा ही है। बस इसको ऐसे इसके दाने निकाल दी हूँ मैं, इसके दाने निकाल के इसके पकौड़े बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत मजे का रहता है, आप जरूर ट्राई करना दोस्तों। ये बहुत अच्छा रहता है और बदन के लिए भी हमारे। और इसमें मैं डालूंगी एक मुट्ठी भर शेपू की भाजी, जो मैंने धो के साफ करके इसको कटिंग करके रखी हूँ। अब ये मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं ये दो मुट्ठी, ये शेपू की भाजी है, इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके बारीक कटिंग में काट दिया है। इसके अंदर क्या मसाला लगेगा दोस्तों, ये देख लीजिए। ये हरी मिर्ची है, 8 से 10 हरी मिर्ची है जो मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ। और ये लहसुन है, इसको भी मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके रखी हूँ। ये अदरक है, इसको भी चॉप कर ली हूँ मैंने एक आधा। ये एक गड्डी लहसुन की है अच्छी वाली, और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है। और ये थोड़ा सा अपने स्वाद के हिसाब से कोथमीर डाल दीजिए, कोथमीर ज्यादा कम कर सकते हो। और ये 2 प्याज है, इसको भी मैंने बारीक काट ली हूँ। ये सब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है घिस के डालने में। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट में जितना टेस्ट नहीं आता है जितना के हमको चॉप करने में आता है। इसके लिए मैं सारी चीज घिस के और चॉप करके डाल रही हूँ दोस्तों। आप ये जरूर बना के ट्राई करना, रमजान के टाइम भी बना सकते हैं, सादे के टाइम पे। रमजान में तो बनाते ही है हर किस्म का हम, लेकिन ये सादे टाइम पे भी हमको नाश्ते के तौर पे हमको बना सकते हैं। ये चाट मसाला है दोस्तों, चाट मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़ों का। ये चाट मसाला है, ये चाट मसाला मैंने डाल दी हूँ। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी ताकि हमारा पकौड़े में कलर अच्छा है। ये भुना जीरा कुटा हुआ मैं दरदरा पीस के रखी हूँ, ये 2 चम्मच इसको भी ऐड कर देंगे। और नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मैंने चाट मसाला डाली हूँ तो उसके अंदर भी नमक होता है दोस्तों, इसके लिए आप नमक देख के डालिए। बेसन है, ये भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए, ये भर के 2 चम्मच। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और 1 चम्मच भी डाल दूंगी, ये मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। लगभग पूरा 2.5 चम्मच में इस चम्मच से डाली हूँ। अब इसको अच्छे से मैं मैश कर लूंगी। और इसके अंदर अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज बाकी है, ये है मेयोनीज। इससे पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये भी मैं 1 बाटी, जैसा कि 1 बाटी बड़ा चम्मच बोलेंगे तो ये 4 चम्मच होता है, ये 4 चम्मच के हिसाब से ये भी डाल दूंगी। ये डाल के मैं इसको अच्छे से मैश कर लूंगी। 1 चम्मच मीट मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। ये भी डाल लीजिए। अब इसको सारे चीज को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूंगी, अच्छे से मसल लूंगी, ताकि इस मेरा चने का आटा जो है, ये बेसन है, मकाई है, शेपू की भाजी है, और प्याज है, हरी मिर्ची, ये सारी चीज एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। आप उन बेंडिंग के लिए मतलब ये डालते हैं चने का आटा, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं, इसको बेंडिंग होना जरूरी है। ये थोड़ा सा हींग का पाउडर है 1 चुटकी बराबर, ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चने का आटा है तो किसको जमता है किसको नहीं जमता है। और चाहो तो अजवाइन भी डाल सकते हैं घिस के, मैंने हींग का पाउडर डाली हूँ। हो गया बेंडिंग, इसको कौन से भी शेप में आप तल सकते हैं, ये देखो ऐसा कौन से भी शेप में तल सकते हैं, इसका कोई शेप होना जरूरी नहीं है। अब तेल ऑयल गरम करके, इसको अच्छी तरह ऑयल गरम करके इसको मैं तल दूंगी। हाथ को थोड़ा सा गिल्ला कर लीजिए पानी में, और फिर एक एक बॉल्स डालते जाइए इसी तरह। तेल अच्छा मेरा गरम हो चुका है,
मैं डाल दूंगी। आज को अभी थोड़ा सा धीमा ही रखना मीडियम में, क्योंकि ऊपर ऊपर से पक जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, क्योंकि हमारा स्वीट कॉर्न कच्चा है तो इसके अंदर ये पक जाएगा। दोस्तों जितनी जगह है हमारे पैन में हम उतना डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए, उसके बाद ही इसको हमको पलटाना है। कोई भी शेप में डाल सकते हैं, इसको शेप की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी एक बाजू से हमारा पकौड़ा पक चुका है, इसको आस्ते से ऐसा पलट दीजिए, ऐसा पलट दीजिए। आप जरूर बना के खा के कमेंट करके बताना दोस्तों ये कैसा लगा। ये जो बहुत भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है कि ऐसा लगता है कि मुंह में डालो तो ना मुंह से ये घुले ही नहीं, इतना इतना मजे का लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मिठास मेयोनीज का भी होता है, स्वीट कॉर्न का भी मिठास है, और शेपू की भाजी जो है वो तो हर चीज में बोलते ना उसका स्वाद बढ़ा देती है। शेपू की भाजी ऐसी है जैसे खीमे में डालो, समोसे में डालो, किसी में भी हम डालो तो स्वाद बढ़ा ही रहता है। इसके लिए आप जरूर ट्राई करना दोस्तों। देखो दोस्तों हो गया है, इस तरह सब एक एक करके निकाल लीजिए। और बाकी के भी मैं सारे इसी तरह डाल लूंगी। अभी हम पकोड़े के लिए चटनी तैयार करेंगे एकदम इजी तरीके से। किस तरह मैं बनाती हूँ देखिए आप, बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी। सॉस भी बोला जा सकता है, चटनी भी बोला जा सकता है, आप जैसा समझ सकते हो वैसा समझिए। एक प्याला ले लेंगे, एक प्याले में हम इसको टमाटर सॉस डालेंगे। आपको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। इसके अंदर ही मेयोनीज भी डाल देंगे। इतने इजी तरीके से बनता है देखिए चटनी। हमको ना मसाला पीसने की जरूरत है, ना कुछ लाने की जरूरत है, जो हमारे घर में होता है हम उसी से कर सकते हैं। इसके अंदर खाली ये भुना जीरा पाउडर है, इसे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, बस पाव चम्मच ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखो हमारी चटनी बनके रेडी हो गई, खट्टी मीठी क्रीमी बसकिला चटनी तैयार हो गई। अभी गरम गरम पकौड़े बनाएंगे और इसके अंदर हम खाएंगे। कितना इजी है ना चटनी बनाना, इसी तरह तो रेस्टोरेंट में देते हैं चटनी, हमको इतना स्वादिष्ट लगता है। देखो मेरे स्वीट कॉर्न एंड शेपू की भाजी पकोड़ा तैयार हो गया बनके, दिख रहा है ना कितना यम्मी। देखो अभी मैं इसको खा के देखती हूँ ये किस तरह बना है। देखो
स्वीट कॉर्न कितना अच्छा लग रहा है, शेपू की भाजी कितनी अच्छी लग रही है इसके अंदर, अरे चटनी बहुत मजे की बनी है, बहुत जल्दी जल्दी आइए आप भी खाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हुए एक अगले अच्छी सी एक रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।